नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी 24। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। रुड़की के लंडोरा क्षेत्र की गादरोना के समीप गन्ने के खेत में अर्धनग्न अवस्था में एक महिला का शव बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही कि आरोपियों ने दुराचार करने के बाद महिला की हत्या की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेज दिया है। आपको बता दें कि बालाजी मंदिर के पास गादरोना मंगलोर रोड पर नसीम पुत्र मकमूल का खेत है। बताया गया कि वह खेत पर गया हुआ था, इसी दौरान उसने अर्धनग्न अवस्था में एक महिला का शव देखा, जिस पर मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त करने का प्रयास किया। इसी दौरान आसपास के काफी ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। बताया जा रहा है कि टांडा पनेड़ा निवासी गुलबहार ने शव की पहचान अपनी माता रिहाना के रूप में की है। बताया गया है कि रिहाना सुल्तानपुर अपनी बहन के यहाँ गई हुई थी। 29 अक्टूबर को वह मेटाडोर में सवार होकर सुल्तानपुर से अपने घर के लिए रवाना हुई थी, लेकिन वह घर नहीं पहुंची। काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस के अनुसार शव के पास से 500 की नकदी व खेत में कुछ दूरी पर कपड़ों से भरा बैग व आपत्तिजनक सामग्री मिली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेज दिया। शव की सूचना मिलने पर एसपी देहात सोपन किशोर सिंह मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से मामले की जानकारी जुटाई। आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ दुराचार करने के बाद उसकी हत्या की गई है। पिछले वर्ष दिसंबर में भी हमने छापेमारी की थी और कई सारी अनियमितताएं पाई गई थी। उनको चेतावनी दे करके सभी जो जरूरी मानक हैं उनके पालन के लिए हिदायत भी दी गई थी। अभी दोबारा से कोरोना महामारी के दौरान भी और अभी भी हमने देखा है कि किस प्रकार से काफ़ी लोगों का डिपेंडेंसी रहती है हमारे जन औषधि केंद्रों पर, लेकिन यहाँ पर कई प्रकार की इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। सर्वप्रथम तो इनके यहाँ प्राइवेट मेडिसिन काफ़ी मात्रा में भारी मात्रा में है उपलब्ध, और जन औषधि की जो स्केड्यूल्ड मेडिसिन हैं वो नहीं है। जन औषधि की जो मेडिसिन होती है उसमें एक हॉलमार्क होता है, तो वो हॉलमार्क से क्लियरली पता चल जाता है कि कौन सी प्राइवेट है, कौन सी जन औषधि की प्रिस्क्राइब मेडिसिन हैं। तो अभी इस स्टोर में काफ़ी सारी प्राइवेट मेडिसिन पाई गई, साथ ही साथ जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सिविल अस्पताल की तरफ से जन औषधि केंद्र को संचालित करने का, उनके द्वारा इसका संचालन नहीं किया जा रहा है, इसको फर्दर सप्लेंट भी किया गया है। इनके पास प्रॉपर रेट लिस्ट और लिस्टिंग भी होनी चाहिए कि कौन कौन सी दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं और उनका क्या दाम है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नदारद हैं, तो इसी संबंध में कार्रवाई आ चुकी है। मैडम, हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा भी लगातार इन लोगों को वार्निंग्स इशू की गई हैं, बताया गया है कि आप नियमों का पालन करें। अब अंततः स्थिति इस तरह आई है कि हमें छापेमारी कर इस प्रकार की कार्रवाई करनी पड़ेगी की जाएगी, क्योंकि ये एक प्रकार का मामला है जिसमें कि बहुत ही अंडरप्रिविलेज लोगों के लिए ये मेडिसिन उपलब्ध करवाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, और अगर उनके उनको उन तक ये सारी औषधि नहीं पहुँच पा रही है इस केंद्र के माध्यम से, तो ये खेद का विषय है।